मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में कहा कि जल्द ही दोषियों के नाम उजागर करेंगे, वही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है, एसआईटी में बदलाव के पीछे कोई टकराव की बात नहीं है। संजीव शमी 93 के अफसर है, जबकि उनकी जगह आईपीएस राजेंद्र कुमार को लाया गया जो डीजी स्तर के हैं और 95 के हैं। आप लोग कुछ इंसाफ के लिए करिए, फोटो खींचने से कुछ नहीं होता। आपको क्या फंसाया गया क्या? हाँ बिल्कुल फंसा गया है हम लोग। कौन है इसके पीछे? बड़े लोग जो हम लोग को फंसाना चाहते हैं। कौन है? उनका मकसद साफ है, हम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हैं उनके नाम जल्द ही सामने आएंगे। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिनको अभी जो शासन ने जिनको जिन एसआईटी जिनके नेतृत्व में गठित की है वो 1985 के आईपीएस अधिकारी है और डीजी लेवल के अधिकारी है, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो की गई है गठित वो सारे पहलुओं को कवर करते हुए जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई से कोई भी इसमें बच नहीं पाएंगे। संजीव शमी क्या बेहतर जांच नहीं कर पा रहे थे? संजीव शमी के बेहतर जांच नहीं 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 देखिए दोनों में यह है कि संजीव शमी जी जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो 1993 बैच के आईपीएस है, अभी जिनको जो बनाया गया है राजेंद्र कुमार जी 1985 के आईपीएस बैच के अधिकारी है और ये एक डीजी लेवल के अधिकारी हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। एक डीजी और एक एडिशनल डीजी को इसमें लगाया है और इंदौर की जो एसएसपी है श्रीमती रुचिवर्धन मिश्रा जी को लगाया है। नहीं कोई टकराव नहीं कोई टकराव की नहीं, देखो प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए ये जो निर्णय लिया गया है और डीजी लेवल के अधिकारियों को इसमें जो लगाया है तो मकसद साफ सुथरा है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह जो निर्णय लिया गया है और जो मकसद है उस मकसद में हम लोग पूरी तरह से इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होगा, कोई भी ट्रांसपेरेंसी मतलब साफ सुथरी बात रहेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी इसमें इस षड्यंत्र में शामिल है वो कोई भी हमारी कानूनी कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएंगे। वो बहुत जल्द नाम शामिल हो जाए, बहुत जल्द आप लोगों के सामने नाम हम लोग उजागर कर देंगे, जो जो भी इसमें शामिल है बहुत जल्द हम उनका पर्दाफाश कर देंगे।